मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी, विश्व क्रिकेट की सबसे शुरुआती और सबसे दमदार संस्थानों में से एक। साल 1787 में स्थापित हुआ ये क्लब साल 1814 से क्रिकेट का मेक्का जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसमें स्थित है। इसी क्लब ने साल 1988 में सबसे पहले क्रिकेट के नियम बनाए थे। शुरुआत में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की क्रिकेट को चलाने वाली एमसीसी का भौकाल पूरी दुनिया में है। कोरोना काल में क्लब एक बार फिर से चर्चा में है। इसके 233 साल के इतिहास में पहली बार एमसीसी को कोई फीमेल प्रेसिडेंट मिलने जा रही है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर को एमसीसी का अगला प्रेसिडेंट चुना गया है। ये फैसला बुधवार 24 जून को हुई एक एनुअल जनरल मीटिंग में लिया गया। 43 साल की पूर्व ऑलराउंडर कॉनर अगले साल 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगी। एमसीसी के मौजूदा अध्यक्ष पूर्व श्रीलंकाई विकेटकीपर कुमार संगकारा का कार्यकाल अगले साल 30 सितंबर को खत्म होगा। अब एमसीसी के पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट संगकारा का कार्यकाल इसी साल खत्म होता, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी में वुमेन्स क्रिकेट टीम की मैनेजिंग डायरेक्टर कॉनर ने इस बारे में कहा कि मैं एमसीसी की अगली प्रेसिडेंट चुने जाने पर गर्व महसूस कर रही हूँ। क्रिकेट ने मेरे जीवन को पहले ही बहुत समृद्ध किया है और अब इससे मुझे ये बेहतरीन विशेष अधिकार सौंपा है। हमें अक्सर मुड़कर देखना पड़ता है कि हम कितने आगे आ चुके हैं। मैंने लॉर्ड्स में पहली बार एक 9 साल की क्रिकेट प्रेमी लड़की के रूप में कदम रखा था, वो भी उस दौर में जब लॉन्च रूम में महिलाओं की मौजूदगी सहज नहीं मानी जाती थी। वक्त बदल गया है, अब मुझे ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली क्लब एमसीसी की मदद में हिस्सा लेने और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी। कॉर्नर ने साल 1995 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली कॉर्नर 2000 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तान बनी थी। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 16 टेस्ट और 93 वनडे मैचेस खेले हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।